ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आपकी आराधना और तपस्या करते करते मैं अब तक 9 बार अपना शीश काट काट कर अग्नि को समर्पित कर चुका हूं। अब अंतिम और 10वीं बार मेरी प्रार्थना यदि आपने नहीं सुनी तो आपकी शपथ, मैं आपका नाम कभी मुंह पर नहीं लाऊंगा। सारे संसार में घोषणा कर दूंगा कि ब्रह्मदेव शक्तिहीन और हृदयहीन है। वह ना किसी की तपस्या से पसीजते हैं ना आराधना से। शूर्पणखा अपना खड़ग लाओ, शूर्पणखा। ये लो भैया खड़ग। ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। नहीं 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 भैया, भैया ये तुमने क्या किया? भैया 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 रावण, ये क्या हुआ? माता रावण, ये क्या किया आपने? ओम ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। परम रोहित रावण, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई आपने? इसका प्रयोजन? तुम्हारी इस कठोर तपस्या और बलिदान का प्रयोजन था तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाना। तुम्हारे द्वारा समर्पित 10 सिरों के कारण अब तुम दशानन बन गए हो। तुम्हारे एक मस्तक में 10 मस्तकों की बुद्धि और बल आ गया है। तुम जब चाहो दशानन रूप बना सकते हो और जब चाहो एक सिर वाले बन सकते हो। अब वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। जिसने जन्म लिया है रावण, उसे एक ना एक दिन मरना ही होगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं ना किसी देव से मारा जाऊं, ना किसी दानव से, ना किसी गंधर्व से, ना किसी यक्ष से। तथास्तु, मैं ये भी वरदान देता हूं कि तुम जब चाहोगे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे। धन्य हो ब्रह्मदेव, आपने मेरी सारी प्रतीक्षा सारी तपस्या सफल कर दी। अब मैं अपनी माता और माता मैं की आज्ञा के अनुरूप 3 लोक में राक्षस जाति की विजय पताका फहराऊंगा।